तो चलिए बच्चों देखते हैं अब आज आगे हम लोगों के पास क्या है। हमारा जो बीआरएस के पास्ट 4 ईयर से क्वेश्चन थे जो कि मई 18, नवंबर 18, मई 19 और नवंबर 19, ये दो पेपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए जो कि आपके आरटीपी में भी था और एमटीपी में भी था। ये दो पेपर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारे इस सीक्वेंस में है, नेक्स्ट जो हम टेकअप कर रहे हैं वो हम सबसे पहले टेकअप कर रहे हैं मई 18 का क्वेश्चन। आई होप अभी तक जितना भी आपको करवाए क्वेश्चन उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। फिर भी अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है आप प्लीज मेरे को मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो कभी भी कोई भी इशू हो आप कंफर्टेबली कॉल करिए, ठीक है। चलिए बिगिन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से जो कि है हमारा मई 18 का क्वेश्चन। सो ये हमारा क्वेश्चन है, द बैंक पासबुक ऑफ अकाउंट नंबर 5678 ऑफ मिसेस रानी शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹33,570। यानी कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है बैंक पासबुक जिसमें कि ओवरड्राफ्ट है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा बैंक पासबुक है और जिसमें कि ओवरड्राफ्ट है यानी कि डेबिट बैलेंस, ठीक है। ऑन गोइंग थ्रू द पासबुक द अकाउंटेंट फाउंड द फॉलोइंग, अ चेक ऑफ ₹1,080 क्रेडिटेड इन द पासबुक ऑन 28th March 2020। चेक ऑफ 1080 क्रेडिटेड इन द पासबुक, ध्यान रखिएगा इन द पासबुक। बीइंग डिसऑनर्ड इज डेबिटेड अगेन इन द पासबुक ऑन 1st April। देयर वाज नो एंट्री इन द कैश बुक अबाउट द डिसऑनर ऑफ द चेक अंटिल 15th April। हमें बनाना कब है, हमें बनाना है बीआरएस 31st मार्च को, ठीक है। बैंकर से क्रेडिटेड हर अकाउंट विथ ₹2,800 फॉर इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय देम ऑन हर बिहाफ। यानी कि बैंकर से उनको तो क्रेडिट कर दिया फॉर इंटरेस्ट कलेक्टेड बट द सेम हैज नॉट बीन एंटर्ड इन हर कैश बुक। पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर उसको पॉइंट बाय पॉइंट लेके चलेंगे। आउट ऑफ ₹20,500 पेड इन बाय मिसेज रानी इन कैश एंड बाय चेक, यानी कि 20,500 रुपए थ्रू कैश और चेक जमा करे थे 31st मार्च को, जिसमें से कि थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया क्वेश्चन, 7500 के चेक्स कलेक्ट हुए कब, 7th अप्रैल पे, ठीक है। जब पॉइंट को टेकअप करेंगे तो और आगे इसमें डिस्कस करते हैं क्या। आउट ऑफ द चेक्स अमाउंटिंग टू ₹7,800 ड्रॉन बाय हर ऑन 27th मार्च 2018, 7,800 रुपए के चेक उन्होंने इश्यू करे मिसेज रानी ने 27 मार्च को, जिसमें से कि 2,500 का चेक, अ चेक फॉर ₹2,500 वाज एनकैश्ड ऑन 3rd अप्रैल, यानी कि हमारी रिकंसिलिएशन डेट के बाद। बैंकर सीम टू हैव गिवन अ रॉन्ग क्रेडिट फॉर ₹500, रॉन्ग क्रेडिट पेड इन बाय हर अकाउंट नंबर 8765। देखते हैं इसमें हमारा क्या अकाउंट नंबर था, यहाँ पे दिया है 5678 और यहाँ एंड अ रॉन्ग डेबिट इन रिस्पेक्ट ऑफ 300 अगेंस्ट हर, मतलब ये उसका दूसरा अकाउंट था जिसका रॉन्ग क्रेडिट और डेबिट उन्होंने इस अकाउंट में दे दिया। अ चेक फॉर ₹1,000 एंटर्ड इन कैश बुक, एक हमने 1,000 की एंट्री अपनी कैश बुक में तो दे दी थी बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड ऑन 31st मार्च, पर ये हम बैंक में जमा नहीं कर पाए। अब बिल रिसीवेबल फॉर 5200, एक बीआर 5200 का जो कि प्रीवियसली डिसऑनर्ड हो गया था जिसमें डिस्काउंट 200 रुपए दिया हुआ था विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड बट एडवाइस वाज रिसीव्ड ऑन 1st अप्रैल, वो डिसऑनर हो गया था पर हमें एडवाइस कब मिली, 1st अप्रैल को, तो हमने अपने बुक्स में एंट्री नहीं करी थी। अब बिल फॉर ₹10,000 वाज रिटायर्ड पेड बाय द बैंक अंडर अ रिबेट ऑफ 172, यानी कि 10,000 का बिल
पे करा था विद अ डिस्काउंट ऑफ 175, बट द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड इन द, यानी कि 10,000 में से 175 रुपए लेस होके क्रेडिट होना था क्योंकि उतना हमने डिस्काउंट पे बिल पे करा था, बट हमने अपनी बुक्स में पूरा 10,000 की फिगर लिख दी थी। अ चेक फॉर ₹2,400 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। 2400 का डिपॉजिट हुआ था, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बट ये कलेक्ट हो गया था, ध्यान रखिएगा, 31 मार्च तक। तो इसमें हमें बैंक रिकंसिलिएशन बनाना है। किसका बनाना है, स्टार्टिंग से दोबारा देख लेते हैं। हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है मिसेज रानी का एज ऑन 31 मार्च 2018। चलिए लेट्स बिगिन, हम लोग यहाँ पे बिगिन करते हैं। हम लोग BRS बनाते हैं मिसेस रानी, अकाउंट नंबर 5678, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2018। ठीक है, अब इसमें आएगा हमारा बिगनिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, बैलेंस एज पर पासबुक, ये है डेबिट। रिमेंबर कितना था, 33,575, राइट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों कि हमारे पास चार एस्पेक्ट्स होते हैं बिगनिंग के, बैलेंस एज पर कैशबुक या फेवरेबल बैलेंस एज पर कैशबुक जिसे हम कहते हैं वो भी डेबिट होता है। देन हमारे पास उसका रिवर्सल एक एस्पेक्ट होता है बैलेंस एज पर पासबुक, यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक जो कि डेबिट होता है। आपको अगर ध्यान होगा, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने बहुत स्टार्टिंग की क्लास में आपको बताया भी था। ये देखिए, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैशबुक डेबिट, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, ये दोनों एस्पेक्ट जो है हमारे एक ही तरीके से मूव करते हैं, ठीक है। और अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैशबुक और फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, ये दोनों एक तरीके से मूव कर सकते हैं। आप देखिए इनमें क्रेडिट बैलेंस है, यहां भी क्रेडिट बैलेंस है। अगर हम यहां जाते हैं तो ये दोनों में हमारा डेबिट बैलेंस है, तो आई थिंक हमारे को कंपैरेटिवली इजी हो जाता है कि अगर हम डेबिट एस्पेक्ट को ध्यान में रखें कि जैसे हम कैशबुक में डेबिट बिगनिंग होती है, उससे से अगर पासबुक में हमारा अनफेवरेबल बैलेंस है, डेबिट है, तो हम उसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के हम अपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को डील कर सकते हैं, तो हमारे गलती के चांसेस मिनिमल हो जाते हैं, यानी कम से कम हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने इस बार का क्वेश्चन बिगिन करते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपको BRS बनाने में बहुत सुविधा हो जाएगी। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अ चेक फॉर ₹1,080 क्रेडिटेड इन द पासबुक ऑन 28 मार्च 2018, यानी कि चेकबुक में पासबुक में ये चेक क्रेडिट हो गया था 1,080 रुपए का। बीइंग डिसऑनर्ड इज डेबिट अगेन इन द पासबुक, डिसऑनर हो गया और डेबिट अगेन इन द पासबुक कब, 1 अप्रैल को, ठीक है। देयर वाज नो एंट्री इन द कैश बुक अबाउट डिसऑनर द चेक अंटिल 15 अप्रैल, तो ये बेटा ये 15 अप्रैल की डेट है, यानी कि आफ्टर रिकंसिलेशन डेट, तो ये आपका रिकंसिलेशन आइटम नहीं है।
इसको हम एज अ नोट नीचे लिख देते हैं। पॉइंट नंबर वन इज नॉट द रिकंसिलिएशन आइटम। जितने आप पॉइंट्स लिखेंगे एज इट इज ऑफ अ डेट लेटर देन BRS डेट, राइट। दोबारा एक बार देखें उस चीज को हम लोग। ₹1,080 का चेक जो कि क्रेडिट हो गया था मार्च 2018 को, वो डिसऑनर होके हमने दोबारा डेबिट करा है पासबुक में 1 अप्रैल को। ठीक है, कब करा है? 1 अप्रैल को, यानी कि आफ्टर रिकंसिलिएशन डेट। और उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास 15 अप्रैल तक हमने अपने बुक्स में एंट्री नहीं करी। तो दोनों ही डेट्स यानी 1 अप्रैल और 15 अप्रैल ये आफ्टर रिकंसिलिएशन की डेट है, इसलिए इस एंट्री को हम कंसिडर नहीं करेंगे। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। बैंकर्स हैड क्रेडिटेड हर अकाउंट विद ₹2,800, यानी बैंक ने उसके अकाउंट को ₹2,800 से क्रेडिट कर दिया था फॉर इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय देम, यानी कि डायरेक्ट इंटरेस्ट कलेक्शन था बैंक में और उसकी हमने एंट्री अपनी कैश बुक में नहीं करी थी। चलिए इसको अगर हम यहां पे बना लेते हैं कैश बुक पासबुक डेबिट क्रेडिट, कितने की एंट्री थी? 2800 की एंट्री थी यहां पे बैंक ने बैलेंस इंक्रीज कर दिया था। अब हमें क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? इसको हमें भी यहां पे कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए? यहां पे एंट्री हो जानी चाहिए, इसको हम ऐड कर देते हैं, हम अपना बैलेंस इंक्रीज है। ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था कैश बुक का डेबिट और पासबुक का डेबिट को हम एक ही तरीके से डील करेंगे। तो अगर हमने वहां बैलेंस बढ़ाया तो इस केस में भी हम इसे कहां डाल देंगे? आपके ऐड। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 2800। सो नेक्स्ट पॉइंट अब देखें, ये सर बैंक ने उसी अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट करा था तो हम भी अपने कैश बुक में उसको एड कर लेते हैं। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 3, आउट ऑफ ₹20,500 पेड इन बाय मिसेस रानी इन कैश एंड बचत, यानी कि मिसेस रानी ने कैश और चेक के माध्यम से ₹20,500 जमा करे थे ऑन 31 मार्च, जिसमें से कि ₹7,500 के पेमेंट कब कलेक्ट हुआ? 7 अप्रैल को। यानी अगर हम 20,500 में से 7,500 माइनस कर दें तो बैंक ने हमें कितने से क्रेडिट करा है? केवल ₹13,000 से। हमने क्या करा था? हमने अपने इसमें जमा करे थे कितने? इतने। बैंक में कितना पैसा आया? ₹13,000। ये जो डिफरेंस था ₹7,500 का, ये हमने एक्सेस अपने इंक्रीज कर दिया था, इसको हम ले जाके माइनस कर देंगे।
जिससे कि हमारी दोनों बुक्स कैश बुक और पासबुक इक्वल हो जा रही हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। लेस चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, कितने से बच्चों, 7500। क्यों, 20,500 रुपए के चेक डिपॉजिट करे थे कैश और चेक से, उसमें से 7500 रुपए के चेक्स कब कलेक्ट हुए, दैट वाज इन अप्रैल। तो ये हमारा जो डिफरेंस अमाउंट 7500 रुपए था, ये हमारे रिकंसिलिएशन का आइटम बनता है, क्योंकि हम बीआरएस स्टेटमेंट कब बना रहे हैं अपना, हम बना रहे हैं 31 मार्च को। तो ये हमने इतने से अपनी बुक्स में बैलेंस लेस कर दिया, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 4, आउट ऑफ द चेक्स अमाउंटिंग टू ₹7800 के चेक्स ड्रॉन बाय हर ऑन 27 मार्च, अ चेक ऑफ ₹2500 वॉज एनकैश्ड ऑन 3 अप्रैल, यानी कि 7500 रुपए 7500 के चेक्स डिपॉजिट करे गए थे। पॉज कर दो, चलिए लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 4, आउट ऑफ चेक्स अमाउंटिंग टू ₹7800 ड्रॉन बाय हर ऑन 27 मार्च 2018, यानी 7800 रुपए के चेक ड्रॉ करे थे यानी कि इशू करे थे ऑन 27 मार्च, उनमें से अ चेक ऑफ ₹2500 वाज एनकैश्ड ऑन 3 अप्रैल, यानी 7800 रुपए के जो चेक इशू करे थे उसमें से 2500 के जो चेक थे वो कब एनकैश हुए, 3 अप्रैल को। तो देखते हैं इसका हम कैसे डील करेंगे। कितने के चेक इशू करे थे हम लोगों ने, चेक इशू करे थे 7800 के, और 7800 में से माइनस कर दिए 2500, यानी कि 5300 से हमारा बैंक ने बैलेंस रिड्यूस करा था, क्योंकि 2500 के चेक जो थे वो कब हुए थे, अप्रैल में क्लियर हुए थे। देखते हैं क्वेश्चन एक बार दोबारा से, के चेक इशू करे गए थे 27 मार्च को, बट 2500 का चेक का बैंक कैश हुआ था 3 अप्रैल को। तो हमने जो अपना बैलेंस 7800 से रिड्यूस कर दिया था, और बैंक ने कितने से करा है, 5300 से, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 2500 हम लोग अपने यहां से भी रिड्यूस करेंगे कि ऐड करेंगे, बताइए। हमने बैलेंस रिड्यूस करा हुआ था तो हम इसे ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमारे खाते से उतना पैसा कटा ही नहीं है। चलिए इसे हम लोग ऐड कर देते हैं, क्या है, सॉरी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 2500, राइट। ध्यान रखिएगा, मैं जैसे बराबर आपको बताते हैं, यूनिट के नीचे आपकी यूनिट रहनी चाहिए, जिससे आपको भी कैलकुलेशन में इजी रहेगी और एग्जामिनर को भी सुविधा रहेगी आपका पेपर चेक करने के लिए। जितनी क्लैरिटी आपके उसमें रहेगी उतना आपको फायदा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट अभी उसमें पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन ऊपर से दोबारा देखें। ध्यान रखिएगा ये अकाउंट नंबर 568 है। अब हम जो पॉइंट बात कर रहे हैं वो मिसेस रानी के दूसरे अकाउंट की बात कर रहे हैं। बैंकर सीम टू हैव गिवन अ रॉन्ग क्रेडिट फॉर रुपीज, रॉन्ग क्रेडिट फॉर रुपीज 500, ठीक है, पेड इन बाय हर इन अकाउंट नंबर 8765, जो कि अकाउंट नंबर 8765 में पे किया था उसका रॉन्ग क्रेडिट यहाँ पे दे दिया गया। सिमिलरली रॉन्ग डेबिट इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक 300,
यानी कि अकाउंट नंबर 8765 में जो क्रेडिट था देना था 500 का, वो इस खाते में दे दिया जो 5678 हम बना रहे हैं, और एक रॉन्ग डेबिट जो कि हमारे को हमारे जो डेबिट हम मिलना चाहते अकाउंट नंबर 8765 में वो कहां दे दिया 5678 में। देखिए बड़े इजी दिक्कत है 5678 जस्ट आपके अकाउंट नंबर रिवर्सल है तो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बनाया। जो डेबिट और क्रेडिट हमें अकाउंट नंबर 8765 में देने थे वो कहां दे दिए गए 5678 में। तो अब इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, रॉन्ग क्रेडिट ऑफ 500, यहां पे 500 का रॉन्ग क्रेडिट दे दिया गया था, पहले इसको डील करते हैं। तो अगर बैंक ने हमें एक रॉन्ग क्रेडिट दे दिया, हम और हमको बैंक के पार आना है, बराबर आना है, तो हम क्या करेंगे, हम भी एक इसको अपने में डेबिट कर देंगे यानी कि ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, पहले इस पॉइंट को डील करते हैं। रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, ठीक है। सिमिलरली बैंक ने क्या करा, एक हमें रॉन्ग डेबिट दे दिया था कितने का, 300 का रॉन्ग डेबिट हमें दे दिया था, तो हम भी अपने में से बैलेंस उतना कम कर देते हैं। अगेन रिमेम्बर हमें दोनों बुक्स को एट पार लाना है, बराबर लाना है, तो हम बैंक की पासबुक में तो कुछ भी एंट्री करेक्शन नहीं कर सकते। व्हाट वी हैव टू डू वो हम अपनी बुक में करेंगे, रिमेम्बर। तो अगर हमें रॉन्ग डेबिट मिला है तो हम उसको बराबर लाने के लिए हम उसे अपनी बुक्स में क्रेडिट कर देंगे। चलिए तो इसे हम क्या करेंगे, लेस, रॉन्ग डेबिट कोई कंफ्यूजन बच्चों, आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मेरे को तो बहुत पसंद है, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स और बहुत कंफर्टेबल। मैंने इसी तरह सिंप्लीफाई कर रखी है चीजें कि कैश बुक का डेबिट और ओवरड्राफ्ट ऑफ पासबुक दैट इज ऑल्सो डेबिट, तो ये दोनों एक तरीके से मूव करते हैं। सिमिलरली ओवरड्राफ्ट ऑफ कैश बुक जो कि क्रेडिट है और फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक जो कि क्रेडिट है वो सेम तरीके से चलता है। तो इसीलिए आपको चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अपने मन में कुछ लेकर तो आप उसको करेंगे तो गलती के चांसेस खत्म हो जाते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 6, अ चेक फॉर ₹1000 एंटर्ड इन कैश बुक, 1000 रुपए के चेक की एंट्री हमने कैश बुक में कर दी थी बट वो 31 मार्च तक वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं करा, क्या करा, आपको क्या लगता है हमने क्या करा, इसको अगर हम थोड़ा सा ठीक है, ₹1000 का चेक हमने क्या करा कैश बुक में, तो हमने एंट्री कर दी थी बट ये हम बैंक में चेक डिपॉजिट करना भूल गए। तो पता है आपको क्या लगता है, यहां पे तो कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, तो हम इसको यहीं पे रिवर्सल कर देंगे, यानी कि हम बैलेंस अपने यहां से जो हमने ₹1000 से बैलेंस बढ़ाया था, हमने चेक आया, हमने डिपॉजिट किया, हमारे पास पैसा आ गया, हमने बैलेंस बढ़ा दिया, वो हमने चेक बैंक में नहीं लगाया तो बैंक में कैसे हमारा बैलेंस बढ़ेगा, तो हम भी उसे अपनी बुक्स में लेस कर देते हैं। बहुत सिंपल एस्पेक्ट है,
ध्यान बस ये याद रखिएगा कि जो हमें दोनों बुक्स को एंड पार्लर, और हम कोई भी करेक्शन बैंक की पासबुक में नहीं कर सकते हैं। चेक ओमिटेड टू बी बैंक, यानी कि डिपॉजिट हम नहीं कर पाए। गुड। कॉन्सेप्ट्स को सिंपलीफाई करते जाइए, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बिल रिसीवेबल फॉर ₹5200 प्रीवियसली डिसऑनर्ड, जिस पर डिस्काउंट ₹200 दिया था, विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड बट एडवाइस वाज रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल। यहाँ पे आपको ये जो पॉइंट दिया है, इसके आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये केवल एक कंफ्यूजन के लिए। 5200 का BR जो कि पहले डिसऑनर हो गया था, विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड बट एडवाइस वॉज रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल 2018, यानी कि चेक डिसऑनर हो गया। BR जो कि हमने क्या करा था, हमने यहां पे कर दिया था, बट क्या बैंक में हुआ? बैंक में हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि ये डिसऑनर हो गया और इसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली थी। तो अब हमें क्या करना है, हमें भी अपना बैलेंस यहां पे रिड्यूस करना है। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अब BR प्रीवियसली डिसऑनर्ड फॉर ₹5200 विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड बट द एडवाइस वॉज रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल को, तो कि हमें पता है जैसे हमने अपनी बुक्स में एंट्री करी नहीं, तो हम इसको भी इसी तरह से डील करके रिड्यूस कर देंगे। तो हमें क्या करना है, अब हमें अपने उसे रिड्यूस करना है। BR, रिमेम्बर आपको BR, जब आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ते हो सुबह की, जब BR डिसऑनर होता है तब हम उस केस में बैंक को क्रेडिट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हमें पर पता है, तो हमने करा ही नहीं है, तो वो काम अब हम लोग कर देते हैं टू ब्रिंग बोथ द बुक्स इक्वल, ठीक है? तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। अब हम आते हैं अपने उसके बाद वाले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 8। अब बिल फॉर ₹10,000 वाज रिटायर्ड पेड बाय बैंक, यानी कोई बिल्स पे करे अंडर अ रिबेट ऑफ 175 बट द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वाज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम इन कैश बुक। देखिए क्या क्या रहा है, 10,000 का बिल था, ठीक है? बैंक ने उसको पे करा, यानी कि हमारा बैलेंस रिड्यूस करा है 10,000 से, बट कितने डिस्काउंट के साथ? 175, राइट? सही कैलकुलेशन करा मैंने? यस, द आंसर इज राइट। तो बैंक से हमारा कितना बैलेंस रिड्यूस हुआ? इतना बैलेंस रिड्यूस हुआ, पर हमने अपने बुक्स में क्या करा था? ये करा था। तो जो इस 175 जो कि डिस्काउंट हमें मिला, क्योंकि कि हमने कम पे करा, मुझे बिल पे करना था किसी को 10,000 का, पर हमने उसे डिस्काउंट पे करा 175 रुपीज के, यानी कि जो डिस्काउंट मेरे को रिसीव हुआ,
तो ये मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, अपने में इसका बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे होना कितना चाहिए था 9825, पर यहाँ तो मैं इतने की एंट्री कर चुकी ना, तो अब इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे, इसको हम 175 रुपीस से अपना कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि हमने 10,000 नहीं उसकी जगह 175 का डिस्काउंट लेके 9825 का पेमेंट करा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे अपने बुक्स में। चलिए, तो ये क्या था, ऐड डिस्काउंट गिवन इन बिल 175, ठीक है। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, अ चेक फॉर रुपीज 2400 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी कि 2400 रुपए का एक चेक, हमारे पास चेक आया, अरे भाई बैंक बंद होने वाला, 4 बज रहे, 3 बज रहे, बैंक बंद होने का टाइम, पहले डिपॉजिट कर देते हैं, जैसे आज की डेट में बैंक में चेक चला जाए और हम अभी अपनी बुक्स में एंट्री कर लेते हैं। ये बहुत नॉर्मल है डे टू डे बिजनेस में, ये सब बहुत नॉर्मल है। किसी पार्टी ने आके चेक दिया, बैंक बंद होने का टाइम बंद है पब्लिक डीलिंग का, तो पहले इसको डिपॉजिट करवा दे, फिर अपनी बुक्स में एंट्री कर लेंगे। बट फिर वो काम काज में भूल गए, रेगुलर वर्क में, डेली वर्क में हुआ क्या, बैंक में तो चेक जमा हो गया, वो 31 मार्च को क्लियर भी हो गया, पैसा हमारे खाते में भी आ गया, बट हम रेगुलर डेली अफेयर्स में वो एंट्री करना भूल गए, क्योंकि हमने उसे क्षण एंट्री नहीं करी थी जब हमने चेक बैंक में डिपॉजिट करा। तो हमने चेक डिपॉजिट कर दिया, पैसा हमें मिल गया, बट हमने बुक्स में एंट्री नहीं करी थी अपने कैश बुक में। तो हुआ क्या देखते हैं, हमने चेक डिपॉजिट कर दिया, हमें 2400 रुपए का बैंक में क्रेडिट भी मिल गया, क्यों, हमारा बैलेंस बढ़ गया, क्योंकि 31 मार्च को चेक क्लियर हो गया, बट क्योंकि हमने ध्यान, हमने जल्दी जल्दी चेक डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक टाइम ओवर हो रहा था, हमने अपने बुक्स में एंट्री करी नहीं, बाद में भी करना भूल गए हम लोग, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। चलिए अब हमें ये तो पता चल गया 2400 रुपए हमारा चेक 31 मार्च को क्लियर हो गया, तो हम भी चलिए बढ़ा देते हैं अपना कैश बुक बैलेंस 2400 से, राइट। ये मिस्टेक होती रहती है रेगुलर अफेयर्स में। चलिए, क्या हमारा चेक डिपॉजिट हुआ था, चेक डिपॉजिट एंड कलेक्टेड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, कितने का था भाई, 2400 का। बच्चों यूनिट के नीचे यूनिट का प्लीज ध्यान रखिएगा, आपके प्रेजेंटेशन और कैलकुलेशन सब में हेल्प करेगा और एग्जामिनर को भी हेल्प करेगा आपको आंसर पढ़ने में। तो चलिए हमारे ऐड का आइटम हम लोग देख लेते हैं, 2800 प्लस 2500 प्लस 500 प्लस 175 प्लस 2400, राइट, दैट कम्स टू 8375, एडिंग टू 33575, द टोटल कम्स टू 41950। अब चलिए हमारा कितना टोटल आता है लेस आइटम्स का, पहले हम लोग वो कर लेते हैं, 7500 प्लस 300 प्लस 1000 प्लस 5200, यहां पे हमारा टोटल आता है 14,000। तो देखते हैं हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक क्या है, माइनस इसको हम 41950 माइनस 14,000, द टोटल कम्स टू 27950। बच्चों ये देखिए, क्वेश्चन को स्टार्टिंग से देखेंगे तो हमारा डेबिट बैलेंस था, राइट, हमारा बैलेंस क्या था, डेबिट, इसमें हमने ये फिगर ऐड करी तो ये भी हमारा डेबिट हो गया, राइट। अब
इसमें से हमने ये माइनस करी लेस वाली फिगर्स, तो ये भी हमारा डेबिट आया। तो क्या हमारा बैलेंस इस पर कैशबुक डेबिट होगा? नहीं, क्यों? रिमेम्बर कैशबुक एंड पासबुक हैव सिमिलर बट अपोजिट बैलेंसेस। तो ये हमारा क्या होगा? दिस विल बी क्रेडिट। इसी तरह से हमेशा करिएगा बैलेंस को, डेबिट या क्रेडिट डायरेक्टली अपोजिट मत लिखिएगा। होंगे डायरेक्टली अपोजिट, बट ये बेटर आपको कंफर्मेशन और क्लेरिफिकेशन देगा कि हाँ मेरा आंसर एकदम सही है। तो ये था हमारा सॉल्यूशन फॉर May 18 पेपर। आइए देखते हैं इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड, उसमें क्या सॉल्यूशन, क्या हमारा और उनका टैली कर रहा है। सबसे पहले तो अगर हम देखते हैं हमारे नेट आंसर 27950 एकदम ठीक है। क्रेडिट बैलेंस देखिए, पॉइंट नंबर वन, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एज देयर वुड बी नो डिफरेंस ऑन 31 मार्च 2018, जो हमारा पहला पॉइंट था। रिवर्सल ऑफ रॉन्ग क्रेडिट, ये एक पॉइंट में, दो एक ही पॉइंट के अंदर दो एस्पेक्ट दे दिए थे, रॉन्ग क्रेडिट एंड रॉन्ग डेबिट दोनों दे दिए थे। ठीक है, ये नीचे नरेशन भी दिया, अच्छा क्रेडिटेड इन पासबुक ऑन 28 मार्च 2018 एंड लेटर डेबिटेड इन पासबुक ऑन 1st April 2018 हैज नो इफेक्ट ऑन BRS स्टेटमेंट एज ऑन 31st मार्च 2018, क्योंकि हमारी ये BRS की डेट थी। ठीक है, और जो ट्रीटमेंट था किस डेट का था? 1st April का था। तो ऑब्वियसली बात है, रिकंसिडर स्टेटमेंट का आइटम बनता नहीं है। तो जैसा कि देखने आया, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं BRS के, तो पैनिक की जरूरत नहीं है, बट चीजों को सिंप्लीफाई कर लेंगे आप ना तो बहुत इजी हो जाता है। ये चैप्टर ऐसा है जो कि आपको पूरे 10 मार्क्स दे सकता है। तो हम लोगों ने May 18, November 18 और May 19 के क्वेश्चन देख लिए हैं। अब लास्ट हमारा जो बचा है वो है November 19 का क्वेश्चन। तो चलिए मूव ऑन करते हैं हम अपने November 19 के क्वेश्चन पे, जो कि एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। सो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा वो। सो चलिए लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, जो हमारे पास्ट पेपर्स था, दैट इज November 19 का क्वेश्चन। तो पहले एक बार हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर आगे देखते हैं ये क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। ऑन 30th September 2018 द बैंक अकाउंट ऑफ XYZ अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वॉज ओवरड्रॉन, यानी कि हमारा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है। ध्यान रखिए डेट हमारी रिकंसिलेशन की क्या है, 30th September 2018। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, यानी जो पास्ट पेपर्स हम डिस्कस कर रहे हैं ऑन BRS, उसका लास्ट क्वेश्चन हमारा है November 19 का। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या डिमांड करी गई है, और फिर उसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। सो ऑन 30th September द बैंक अकाउंट ऑफ XYZ, यानी कि जो संस्था है वो क्या है, XYZ, संस्था का नाम क्या है, XYZ, और डेट क्या है, 30th September 2018, यानी हमें BRS स्टेटमेंट जो बनाना है वो 30th September 2018 को बनाना है। अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक क्या है, वॉज ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 8062, यानी कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो मिसेस XYZ, डेट हमारी 30th September और कैश बुक बैंक बैलेंस हमारा एज पर कैश बुक ओवरड्रॉन टू द ट्यून ऑफ 8062, दैट इज हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ठीक है, क्या होता है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, दैट इज योर डेबिट। सही कि गलत? गलत, इट इज योर क्रेडिट। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज क्रेडिट। ठीक है, चलिए। An examination of the cash book and bank statement reveals the following. अब जब हमने अपनी कैश बुक और जो बैंक स्टेटमेंट था उसको जब हमने चेक करा तो हमें ये पॉइंट्स मिलते हैं, ये पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं। क्या क्या है?
सबसे पहला अचेक फॉर रुपीज 11,14,000, फिगर क्या है, चेक ऑफ 11 लाख जो डिपॉजिटेड ऑन 29 सितंबर वॉज क्रेडिटेड बाय बैंक ओनली ऑन 3rd October, यानी 30 सितंबर को हम रिकंसिलिएशन बना रहे हैं, पर जो 11,14,000 के चेक हमने 29 सितंबर को 29 सितंबर को डिपॉजिट कर रहे थे वो क्लियर कब हुए हमारे 3rd October को, ठीक है। अब पेमेंट बाय चेक फॉर रुपीज 18,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, यानी कि हमने चेक से 18,000 का पेमेंट करा था वो एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, यानी कि 18,000 का जो पेमेंट हमने चेक से करा हमने एक बार लिखा फिर दोबारा लिख दिया अपनी कैश बुक में, ठीक है। तो यहां पर मिस्टेक क्या हुई, दो बार उसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की एंट्री हमने अपने कैश बुक में दो बार कर दिया, यानी कि हमने 18,000 पे करा पर हमने अपने कैश बुक में एक बार 18,000 लिखा दूसरी बार भैया हमने 18,000 पे करा, हम अपने बुक से कम कर रहे कितना बैलेंस 36,000, ये तो गलत है ना, इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। चलिए ऑन 29 सितंबर 2018 द बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ 1,15,400, 29 सितंबर बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर ऑफ एक्स वाई जेड बट द एडवाइस वाज नॉट रिसीव्ड बाय एक्स वाई जेड टिल 1st October, यानी कि 29 सितंबर को कोई डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ था, किसी कस्टमर ने डायरेक्ट पेमेंट बैंक में डिपॉजिट कर दिया था 1,15,400 का, बट एक्स वाई जेड में सिर्फ एक्स वाई जेड को कब पता चला, ये 1st October के बाद, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 280 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, यानी बैंक ने 280 रुपए हमारे से चार्ज करे डिफरेंट सर्विसेज देने की, वो हमने कैश बुक में एंट्री नहीं करी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑन 6 सितंबर 2018 द बैंक क्रेडिटेड 30,000 टू एक्सवाइजेड इन एरर, अरे वाह, 6 सितंबर को बैंक ने रॉन्ग क्रेडिट दे दिया 30,000 रुपए का, एक्सवाइजेड के तो बल्ले बल्ले हो गए, पर क्या ऐसा बैंक छोड़ देगा वो पैसा, जिसके खाते का था उसको तो वापस जाना ही पड़ेगा ना, बट करेंटली तो गलती ये होके बैंक ने हमारे अकाउंट में वो पैसा डाल दिया, तो 30,000 रुपए से हमारा बैलेंस बढ़ा दिया। चलिए कुछ देर के लिए हम खुश हो लेते हैं, बाकी तो पैसा जिसका था उसको वापस चला ही जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर रुपीज 1,60,000, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज वॉज डिस्काउंटेड बाय एक्स वाई जेड, बट ये क्या हो गया था, द बिल वॉज डिसऑनर्ड, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज था 1,60,000 का जो एक्स वाई जेड ने डिस्काउंट करा था वो डिसऑनर हो गया, बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड, इसकी कोई भी एंट्री एक्स वाई जेड ने अपनी बुक्स में नहीं करी है। तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि एक्स वाई जेड ने डिस्काउंट करवाया था वो डिसऑनर हो गया और उसकी हमने कोई भी एंट्री अपने बुक्स में नहीं करी है। चेक्स इशूड अप टू 30th September 2018 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू द डेट टोटल 13,46,000, यानी कि चेक्स इशूड, चेक हमने इशू कर दिया, एक्स वाई जेड ने इशू कर दिया चेक्स 30 सितंबर तक कुछ, बट उसमें से 13,46,000 13,46,000 के पेमेंट जो है हुए ही नहीं टिल द डेट ऑफ रिकंसिलिएशन, ठीक है। आपको अमाउंट नहीं दिया कितने के चेक डिपॉजिट कर थे, बट रिकंसिलिएशन डेट तक चेक्स अमाउंटिंग टू 13,46,000 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी जिस पार्टी को चेक इश्यू करा था उसने लगाया ही नहीं, तो 13,46,000 से हमारे बैंक से पैसा कटा ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट क्या, अ बिल पेबल फॉर रुपीज 2 लाख हैड बीन पेड बाय द बैंक, 2 लाख का बिल पेबल था एक्स वाई जेड का, बीपी का बिल पेबल था
वो बैंक ने पे कर दिया, ठीक है, बट नॉट एंटर्ड इन द कैश रूल. बिल पेबल ड्यू था, वो बैंक ने पे कर दिया, पर हमने कैश रूल में कोई एंट्री नहीं करी. चलिए कोई बात नहीं, आप कर देंगे, हम लोग जब रिकॉर्ड बनाएंगे. अरे साथ साथ में एक पॉइंट और है, एंड बिल रिसीवेबल फॉर ₹60,000, वो तो हमने 2 लाख का बिल पे कर दिया. चलिए अब 60,000 का बिल रिसीवेबल भी था, हैड बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक एट अ कॉस्ट ऑफ 1,000, वो हमें मिला आफ्टर डिस्काउंट ऑफ ₹1,000, और ये भी हमने विच हैड आल्सो नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. चलिए बिल पेबल की भी एंट्री नहीं करी हमने, और बिल रिसीवेबल की भी एंट्री नहीं करी अपनी कैश बुक में, ना देने की एंट्री करी ना पाने की एंट्री करी. तो ऑब्वियसली बात है, हमें रिकंसिलेशन आइटम्स तो बढ़ते जाएंगे हमारे, हमें रिकंसिलेशन में डालना पड़ेगा. तो ये तो थे हमारे 8 पॉइंट्स जो कि क्वेश्चन में दिए गए थे. आगे पढ़ते हैं, यू आर रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड है हमसे, टू शो एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक. ओहो, तो यहां ये मांग रहे हैं हमसे अमेंडेड कैश बुक, टू शो द अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक ऑफ एक्स वाई जेड. तो दे आर डिमांडिंग अमेंडेड कैश बुक. गुड, सो पास्ट 3 इयर्स के जो थे इससे पहले के पेपर्स में इन्होंने अमेंडेड कैश बुक का कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया था. तो नवंबर 19 में एक नया एस्पेक्ट डाला इन्होंने अमेंडेड कैश बुक का. टू अराइव एट द करेक्ट बैलेंस ऑन 30th September 2018 एंड टू प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑन दैट डेट. तो यानी कि हमारे से स्टूडेंट से रिक्वायर्ड क्या है, पहले हम अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे और उसके बाद BRS स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे. ये क्वेश्चन अगेन हमारा 10 मार्क्स का है. तो इसमें हमारे 2 पॉइंट्स आए बच्चों, एक है हमें बनानी है अमेंडेड कैश बुक और दूसरी है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. तो हम पहले बात करते हैं अमेंडेड कैश बुक के ऊपर. जब हम कैश बुक लिखते हैं तो हम कुछ आइटम्स ओमिट कर जाते हैं और कुछ एरर्स हो जाते हैं, ठीक है. यानी कि जब हमें कैश बुक अमेंड करनी है, जब हम कुछ कैश बुक में ओमिट कर देते हैं या कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं कैश बुक लिखने में, तो वो जब हम अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं उससे पहले हमें ये दोनों एस्पेक्ट्स, ओमिट वाले और एरर्स वाले को, इनको करेक्ट करना पड़ता है. नीड टू बी करेक्टेड, यानी कि जो हमने ओमिट करा है उसकी एंट्री कर दें और इन एरर्स को हम रेक्टिफाई कर दें, ठीक है. तो हमारा जो एग्जिस्टिंग कैश बुक बैलेंस था, जो अभी तक आ रहा था प्रायर टू दिस ओमिशन और एरर्स, वो हमारा चेंज होके एक हमारे को नया बैलेंस मिल जाएगा. तो जब हम अपने कैश बुक में ये करेक्शंस कर देते हैं, जो एंट्रीज ओमिट करी गई हैं उनको एंट्री कर दें, जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको रेक्टिफाई कर दें, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास कर दें उनकी, तो हमारे पास एक नया बैलेंस आएगा. तो उस कैश बुक को हम या तो रेक्टिफाइड कैश बुक कहते हैं, रिवाइज्ड कैश बुक कह सकते हैं या अमेंडेड कैश बुक. क्या नाम से हम जान सकते हैं, रेक्टिफाइड, रिवाइज्ड या अमेंडेड कैश बुक. हमारे इस क्वेश्चन में यही डिमांड करी गई है. अब क्या क्या हमने ओमिट किया जा सकता है, यह हमारे से क्या छूटा होगा. कुछ डायरेक्ट डिपॉजिट बैंक में आ गए होंगे, ठीक है, कुछ बैंक्स ने हमें इंटरेस्ट दिया होगा, और क्या हो सकता है, कुछ बीआर बैंक में डायरेक्ट क्रेडिट हुए होंगे. इसी तरह से कुछ जो डायरेक्ट हमारे बैंक से हमारे को
इंटरेस्ट मिलता है, हमारे को डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, शेयर्स पे जो मिलता है, डिबेंचर्स पे मिलता है, वो हो गए, ये सब से कुछ ऐसा आइटम्स है जो कि डायरेक्ट पैसा बैंक में आ जाता है या हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, वो जो है हमें एंट्री करनी पड़ती। सिमिलरली बैंक ने कुछ चार्जेस करेंगे, कुछ डायरेक्ट पेमेंट्स बैंक हमारे बिहाफ पे कर रही होगी, कुछ बिल्स पेबल बैंक ने हम पेमेंट कर दिया होगा जिसकी हम नोटिंग करना भूल गए, वो सारी चीजें हमारी यहाँ पर आती है। इसी तरह कुछ हमने टोटलिंग मिस्टेक, तो ये तो बात थी ओमिट की, एरर्स की हम बात करते हैं। कुछ टोटलिंग मिस्टेक हो गई, कुछ कास्टिंग मिस्टेक हो गई, कुछ कैरी फॉरवर्ड मिस्टेक हो गई, एक पेज का टोटल जब नेक्स्ट पेज पे लिखा तो हमने ट्रांसपोजिशनल फिगर्स हो गई, यानी कि फिगर्स को उल्टी सीधी भी हम कर देते, जैसे 5687 है तो 8765 कर दिया हमने उसको, तो उसका कुछ हमारा टोटल पे असर पड़ जाएगा। तो ये चीजें थी, कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए तो जो कि हम एरर्स कर सकते हैं, ठीक है। कुछ हमने कई बार हम ऐसे डेबिट का क्रेडिट में भी लिख सकते हैं या क्रेडिट का डेबिट में भी, तो वेरियस एरर्स जो हम अपनी कैश बुक में कमिट कर सकते हैं उनको हमें ठीक करना होगा। कुछ एंट्रीज जो हमने ओमिट कर दी हैं, जो हमारे बैंक में तो एस्पेक्ट आ गए पर हमने अपने बुक्स में नहीं करा है, उनको हमें लिखना होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक नई कैश बुक, एक नया कैश बुक बैलेंस आएगा, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक जो आता है हमारा, ठीक है। तो ये अमेंडेड कैश बुक है जिसको हमें डील करना है। तो इसमें दो ही एस्पेक्ट होते हैं, जो चीज हमने ओमिट कर दी या जो चीज, अब एक एग्जांपल मैं आपसे लेती हूँ, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर टिल डेट। इसमें हमने चेक डिपॉजिट करा है बट वो क्लियर नहीं हुआ है, तो ये हमारा अमेंडेड कैश बुक का आइटम नहीं है, क्योंकि हमने डिपॉजिट करा तो ये क्लियर है कि एंट्री हमने करी है, बट वो क्या है, टाइम डिफरेंस की वजह से हमारा रिकंसिलेशन का आइटम बन रहा है, क्योंकि जिस दिन हम रिकंसिलेशन बना रहे हैं उस दिन वो तब तक वो चेक कलेक्ट नहीं हुआ है। इसी तरह से चेक इशू, हमने चेक इशू कर दी पार्टी को, तो ऑब्वियसली बात है जब हम इशू करेंगे तो हम अपने बुक्स में भी एंट्री कर लेंगे, बट टिल द डेट ऑफ रिकंसिलेशन, जो भी हमारी रिकंसिलेशन की डेट है उस डेट तक वो उस पार्टी के पास वो पैसा नहीं पहुंचा था, या तो उसने चेक नहीं लगाया तब तक, यह चेक लगा है तो तब तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ है। तो ये अमेंडेड कैश बुक आइटम्स नहीं, दीज आर ओनली रिकंसिलेशन आइटम्स, क्योंकि इसमें कहीं भी एरर्स नहीं हुआ, ना तो इसमें ओमिशन हुआ है ना कोई इसमें एरर हुआ है, तो ये अमेंडेड कैश बुक का आइटम नहीं है, यानी कि उसको हम कैश बुक जब अमेंड कर रहे हैं, रेक्टिफाई कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, उसमें इस टाइप के आइटम्स हमारे नहीं डाले जाएंगे। तो चलिए, उम्मीद है आपको अमेंडेड कैश बुक का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, एक बार क्वेश्चन को दोबारा टेकअप करते हैं। तो हमें किसका बनाना है, मैसेज एक्स वाई जेड का 30 सितंबर को। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्या लगता है, पहले हम बीआरएस बनाएंगे कि पहले अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे? ऑब्वियसली बात है भाई, अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे तभी तो हमें नया बैलेंस मिलेगा, बैलेंस इज फॉर कैश बुक व्हिच कैन बी ईदर ओवरड्राफ्ट बैलेंस और व्हिच कैन बी अ फेवरेबल बैलेंस। अभी अमेंडेड कैश बुक बनाने पर कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि आपको अगर ओवरड्राफ्ट या कैश बुक दिया हुआ तो अमेंडमेंट या चेंजेस करने के बाद, रेक्टिफिकेशन करने के बाद जो रिवाइज्ड बैलेंस आए वो ओवरड्राफ्ट ही होगा बच्चों। इट कैन बी अ फेवरेबल बैलेंस या वाइस वर्सा, कि हमारे को फेवरेबल बैलेंस दिया है अमेंडेड कैश बुक के बाद, जो रिवाइज बैलेंस है वो अनफेवरेबल बैलेंस भी हो सकता है। तो रिमेम्बर, ये कुछ भी हो सकता है। तो चलिए आज इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, अमेंडेड कैश बुक कैसे बनाई जाएगी। तो हमें यहां पे बनानी है कैश बुक बैंक कॉलम मेसर्स एक्स वाई जेड।
फॉर्मेटिंग पे बच्चों जरूर ध्यान दीजिएगा, इसके मार्क्स आपको मिलेंगे और जितना क्लियर आपका प्रेजेंटेशन होगा उतने ही बेटर आपके मार्क्स उठेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को एक तो चेक करने में सुविधा होगी और आपसे खुद भी मिस्टेक कम होंगी। तो चलिए इस केस में हमारा ओवरड्राफ्ट से ये तो हमें पता है, तो लिखते हैं बैलेंस कितना था, चेक कर लेते हैं हम लोग। इट वॉज 8062। मैंने जल्दी जल्दी में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 8062। ठीक है, चल अब इसमें देखते हैं जो 8 पॉइंट्स हमें क्वेश्चन में दिए गए थे इनमें से कौन कौन से आइटम्स हैं या पॉइंट्स हैं जो कि हमें अमेंडेड कैश बुक में डील करने हैं। चेक फॉर रुपीज 11,14,000 डिपॉजिटेड ऑन 29 सितंबर 2018 बट वॉज क्रेडिटेड बाय बैंक। तो बच्चों ये हमने अभी जैसे मैंने आपको बताया था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, यानी कि जब हमने चेक डिपॉजिट तो ऑब्वियसली बात है जो नॉर्मल बात है भाई, चेक आया हमने अपने बुक्स में एंट्री करी और बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब 2 से 3, 3 से 4 दिन मतलब एवरेज ऑन एन एवरेज 3 to 4 days लगते हैं किसी भी चेक को क्लियर होने में, चाहे वो पेमेंट हमें आना चाहे हमारे बैंक से पेमेंट जाना। तो अब जब तक रिकंसिलिएशन बना है तब तक भाई या तो टाइम लैप्स नहीं हुआ था उतना जो भी है, या पार्टी ने सपोज हमने चेक इश्यू करा तो पार्टी ने तब तक चेक नहीं लगाया, या अगले दिन संडे था या छुट्टी थी तो भाई चेक नहीं क्लियर हुआ, जो भी एक्सपायर कई केसेस हो सकते हैं कि पेमेंट्स नहीं क्लियर हो। तो ये पॉइंट नंबर वन में हमारी बुक्स में कोई भी एरर नहीं है तो इसे हम अमेंडेड कैश बुक में डील नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अ पेमेंट बाय चेक फॉर रुपीज 18,000 हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। हमने 18,000 का एक्स वाई जेड ने पेमेंट करा किसी को तो आपके बुक से तो भाई एक ही बार कटना चाहिए था ना पैसा, एंट्री आपके बुक में एक ही बार होनी चाहिए थी, पर आपने दिया 18,000 एक बार तो 18,000 कैश बुक में एंट्री कर दी, लेस कर दी, पर आपने दोबारा भी कर दी, दिया एक बार और यहां दो बार कर दिया, तो क्या ये सही है? तो हम आपको अपनी कैश बुक को रेक्टिफाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। हमने क्या किया था, दो बार बैलेंस कम कर दिया, तो क्या दो बार बैलेंस कम होना चाहिए था? नहीं ना, बैलेंस एक ही बार कम होना चाहिए था। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, बैलेंस को बढ़ा देते हैं। कैसे? ये हमारी डेबिट साइड होती है रिमेंबर एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। तो चेक इशूड एंटर्ड ट्वाइस कितने का था 18। ये तो मिस्टेक हमारी कैश बुक की थी ना कि हमने चेक एक बार इशू करा एंट्री दो बार कर दी, तो हमें गलती ठीक करनी है अपने बुक्स में। नेक्स्ट अब 29 सितंबर 2018 बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ 1,15,400 रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब बैंक में डायरेक्ट पैसा आ गया 1,15,400 का जो कि हमें पता ही नहीं था, तो हम एंट्री कैसे करेंगे भैया? तो चलिए इसकी एंट्री हमें करनी पड़ेगी, हमारे खाते में तो पैसा आ गया ना, तो ये तो एक तरह से ओमिशन ऑफ एंट्री हुआ क्योंकि हमें पता ही था हमने एंट्री करी नहीं, तो अब हम एंट्री कर देते हैं अपने बुक्स में। ओ सॉरी, अब एक चीज और देखिए मैंने यहां क्या लिखा, चेक इशूड एंटर्ड ट्वाइस, क्या हमें कैश बुक में ऐसा लिखना होगा? हमने जब एंट्री करी होगी तो किसको करी होगी, पार्टी को? इसको हम क्या कर देंगे,
इसको हम रब कर देते हैं। ये गलत था जो कि मैं सोचा शायद कोई मुझे बता देगा, पर चलिए मैं ही करेक्ट कर देती हूँ। ये जाएगी हमारी टू पार्टी अकाउंट। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट था हमारा जो हमें कस्टमर से पैसा मिला था 1,15,400 रुपए का, जो कि बैंक में आ गया था, हमने अपनी बुक्स में एंट्री नहीं करी थी। तो चलिए हमें तो बुक्स अपनी अमेंड करनी है, तो हम एंट्री कर देते हैं यहाँ पे बुक्स में बाय कस्टमर अकाउंट कितना 1,15,400। ठीक है, ये हमने अपने बुक्स में एंट्री नहीं करी थी, तो इसकी अब हम लोग कर दे रहे हैं। आई थिंक मैंने ये एंट्री गलत साइड करी है, जो कि अब मुझे करेक्ट कर देनी चाहिए। ये आपके डेबिट पैसा आया था आपके खाते में, तो हमने इसको क्रेडिट में क्यों करा भाई, ये हमारा तो डेबिट में जाएगा ना। चलिए इसको हम पहले डेबिट में करेक्ट साइड कर देते हैं। टू पार्टी अकाउंट से तो हमारा बैलेंस बढ़ेगा ना 1,15,400। नेक्स्ट एस्पेक्ट है हमारा बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹280 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश, यानी बैंक ने हमारे खाते में ₹280 बैंक चार्जेस लगाए हैं, यानी कि हमारा बैलेंस कम हुआ है क्योंकि ₹280 उसने बैंक चार्जेस के काट लिए, पर हमने अपनी कैश बुक में एंट्री नहीं करी। अगेन हमने एक एंट्री ओमिट कर दी थी, उसको हम लोग अपने बुक्स में एंट्री कर लेंगे। सॉरी मैं बार बार आगे बढ़ जाती हूँ। तो ये हमारा बैलेंस यहाँ पे कम हो गया था, तो हम यहाँ पे एंट्री डाल देंगे बाय बैंक चार्जेस दैट इज 280, राइट। नेक्स्ट एंट्री हम लोग देखते हैं, ऑन 6 सितंबर 2018 The bank credited ₹30,000 to XYZ in error. तो बच्चों क्या है ये? आपको लगता है ये हमारे कैशबुक amended कैशबुक का पार्ट होगा? बताइए। मेरे को तो नहीं लगता है। क्यों? ये इसलिए नहीं लगता है क्योंकि ये जो ₹30,000 का क्रेडिट दिया था, ये बैंक ने गलती से दे दिया था हमें, ये तो हमारे खाते का है ही नहीं। तो हमारे खाते का है ही नहीं, तो हम इसको अपने बुक्स में एंट्री क्यों करेंगे? ये हमारे इससे कहीं से भी रिलेटेड नहीं है, ये कुछ एक ट्रांजैक्शन गलती से बैंक ने हमारे खाते में कर दिया था, तो हम इसको रिकंसिलिएशन में लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹1,60,000 was discounted by XYZ with his bank. 1,60,000 का bill of exchange discount कराया था XYZ ने, but the bill was dishonored on 28 September. And no entry had been made in the books of XYZ. बच्चों को ध्यान है? ओहो, मैं बहुत fast move कर जाती हूँ। Bill of exchange में आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई bill dishonor होता है, उस केस में हम बैंक को क्या करते हैं? बैंक को क्रेडिट करते हैं। तो चलिए इसकी एंट्री हम कहां करेंगे? बाय बिल डिसऑनर्ड कितने का था? 1,60,000। हमारे 6 पॉइंट स्टील हो गए हैं, अभी 2 पॉइंट और हमारे पास बाकी हैं। चेक्स इश्यूड अप टू 30 सितंबर 2018
बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू दैट डेट टोटल 13,46,000। स्टार्टिंग मैंने बताया था जब अमेंडेड कैश बुक डिस्कस कर रही थी, इस टाइप के आइटम्स यानी चेक हमने इशू करा बट रिकंसिलेशन डेट तक वो पेमेंट के लिए क्लियर नहीं हुआ, तो हमने अपनी बुक में भी एंट्री कर ली और जो ड्यू कोर्स का प्रोसेस था वो भी चल रहा है, बट ड्यू टू द टाइमिंग डिफरेंस ये एक रिकंसिलेशन का आइटम बनता है, पर इसमें कहीं भी ना एरर है ना ओमिशन है, तो इसको हम अमेंडेड कैश बुक में डील नहीं करेंगे। तो हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, अब बिल पेबल फॉर, अब देखिए इस लास्ट क्वेश्चन में इसको इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, यहां तक हमारा एक पार्ट है, उसके बाद दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट है बिल्स पेबल से रिलेटेड, यानी कि जो पेमेंट हमें करना है। अब बिल पेबल ऑफ ₹2,00,000 हैड बीन पेड बाय द बैंक, यानी 2,00,000 का पेमेंट बिल्स पेबल का बैंक ने कर दिया है बट हमने अपनी कैश बुक में एंटर नहीं करा है, तो पहला हम इसको अमेंडेड कैश बुक में ले लेते हैं। बाय बिल्स पेबल कितने का था, ₹2,00,000 का, क्योंकि ये हमने पेमेंट करा है। अब नेक्स्ट पार्ट है बिल रिसीवेबल फॉर ₹60,000, यानी कि 6,000 के बिल्स रिसीवेबल थे, यानी कि हमें पेमेंट मिलना था, had been discounted with the bank at a cost of ₹1,000 which had also not been recorded in the cash book, यानी 60,000 के जगह हमें कितना मिला, हमारे बैंक में कितना है 59,000, तो हम ये हमारा पैसा बढ़ा है टू बिल्स, हम 60,000 करेंगे कि 59,000 करेंगे, मेरे हिसाब से तो 59,000 होना चाहिए क्योंकि वो तो डिस्काउंट दिया ना हमें जिस पार्टी से, सपोज मेसर्स एबीसी ने मेसर्स एक्सवाईजेड को 60,000 देने थे, पर हुआ किसमें 59,000 पे, यानी कि 1,000 रुपए का बेनिफिट एबीसी को हुआ, मेसर्स एबीसी को, हमने उसे 59,000 में एक्सेप्ट कर लिया, हमारे खाते में तो 59,000 है, तो हम यहाँ भी 59,000 करते हैं। चलिए हमने आइटम सब डील कर लिया, आई थिंक 8 पॉइंट्स थे जिसमें से दो पार्ट थे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारे अमेंडेड कैश बुक का, अरे यार अमेंडेड कैश बुक का क्या बैलेंस आ रहा है, तो आई थिंक टोटल तो इसी साइड का ज्यादा है, करते हैं हम लोग टोटल 8,062 प्लस 280 प्लस 1,60,000 प्लस 2,00,000, दिस साइड कम्स टू 3,68,342, so to balance carry it down, let's minus these figures, 18,000 minus 1,15,000 400 माइनस 59,000 दैट कम्स टू 1,75,942, तो जो बच्चों हमारा ओवरड्राफ्ट था टू द ट्यून ऑफ 1,8,062, यानी 8,062 का ओवरड्राफ्ट था, दैट हैज बिकम एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 1,75,942। तो हम अपना बैंक रिकॉग्निशन स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं, मेसर्स एक्स वाई जेड बच्चों, जब हम लोग ये अमेंडेड कैश बुक बनाते हैं तो हमारे रिकॉग्निशन स्टेटमेंट काफी हद तक साइज में रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जितनी ओमिशन की एंट्रीज थी, जो एरर्स थे, जिसकी वजह से हमारा बीआरएस में डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं कैशबुक और पासबुक के बीच में, और हमारे को बीआरएस की जरूरत पड़ती है, वो बहुत सारे हम रेक्टिफाई कर देते हैं थ्रू दिस अमेंडेड कैशबुक। इसकी डेट क्या है भाई, 30 सितंबर 2018। एज ऑन 30th September 18,
तो हमारा बैलेंस अब नया बैलेंस है बैलेंस एज पर कैश बुक। ध्यान रखिएगा यहाँ भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस है क्योंकि जो साइड बड़ी होती है वो वही बैलेंस माना जाता है। 1,75,942 ठीक है। तो ये अब हमारा नया बैलेंस है जो कि क्वेश्चन में ध्यान करिए आपको दिया था 8062 का। देखिए यहाँ पे 8062 अब अमेंडेड कैश बुक में वो आ गया 1,75,942। तो देखा आपने क्या से क्या हमारा आइटम पहुंच गया। चलिए अब फिर हमें सारे 8 पॉइंट्स हम दोबारा देखेंगे। ऐसा नहीं कि हमने वहां ले लिए तो अब नहीं लेंगे, तो हम पूरे पॉइंट्स दोबारा डिस्कस करेंगे। अ चेक फॉर ₹11,14,000 डिपॉजिटेड ऑन 9 सितंबर 2018 वॉज क्रेडिटेड बाय द बैंक ओनली ऑन 3 अक्टूबर 2018। तो ये तो ऑब्वियसली रिकंसिलिएशन का आइटम है क्योंकि हमने 11,14,000 का चेक डिपॉजिट करे थे पर वो क्लियर नहीं हुए। तो अब हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे मूव करते हैं, इसके ट्रांजेक्शन हम देखते हैं कैसे होगा। दिस इज आवर कैश बुक एंड दिस इज पासबुक डेबिट क्रेडिट। हमने क्या था क्वेश्चन हमारा, 11,14,000 के चेक डिपॉजिट करे थे बट 30 सितंबर को जब हम रिकंसिलिएशन बनाए थे तब तक वो चेक क्लियर नहीं हुए थे, यानी कि वो पैसा हमारे अकाउंट में नहीं आया था। तो जब हमने भाई चेक डिपॉजिट करोगे तो ऑब्वियसली बात है अपनी बुक्स में तो एंट्री कर दी होगी। हमने यहाँ पे 11,14,000 बढ़ा दिए बट यहाँ तो कुछ आया ही नहीं भाई, बैंक में तो ठन ठन कपाल कुछ पैसा ही नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे, यानी कि हम अपना ओवरड्राफ्ट तो हमें और बढ़ाना पड़ेगा ना। हमारा तो सोचा था 1,75,000 है, हमने तो 11,14,000 जमा कर दिया तो हम तो ओवरड्राफ्ट से फेवरेबल बैलेंस में आ गए बट यहाँ तो उल्टा ही हो गया, पैसा आया नहीं बैंक में। चलिए हम ओवरड्राफ्ट को अपना फिर बढ़ा देते हैं, क्या थे एड चेक्स डिपॉजिटेड, सही कर रहा हूं मैं, बट नॉट कलेक्टेड, कितना 11,14,000। नेक्स्ट पॉइंट, अ पेमेंट बाय चेक फॉर ₹18,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। ये तो रिकंसिलिएशन का आइटम नहीं है, ये तो हमने 18,000 का एक पेमेंट करा था और उसको अपने कैश बुक में दो बार लिख दिया, तो हमने कैश बुक में गलती करी थी, बाकी ट्रांजेक्शन नॉर्मल है तो हमने इसको रेक्टिफाई कर दिया अपने कैश बुक में। तो ये तो रिकंसिलिएशन से गया, छोड़ देते हैं रिकंसिलिएशन से बाहर कर देते हैं इसको, ये हमने अमेंडेड कैश बुक में डाल दिया, हमने कैश बुक को इसे रेक्टिफाई कर लिया। तो नेक्स्ट पॉइंट अब हमारा है 29 सितंबर 2018 में बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ 1,15,400 रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर ऑफ एक्सवाइजेड, यानी कि 29 सितंबर को हमारे बैंक अकाउंट में 1,15,400 रुपए आए, किसी कस्टमर ने हमारे बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिए पर हमें एडवाइस 1 अक्टूबर तक भी नहीं मिली थी तो हमने अपने कैश बुक में एंट्री करी नहीं है। तो जहां तक पॉइंट नंबर 3 का सवाल है, ये भी हमारी एंट्री ओमिट हुई थी क्योंकि हमें पता ही नहीं चला था, जब हमें पता चला तब हमने अपनी एंट्री बुक्स में इसको रेक्टिफाई कर दिया है, तो ये कहीं से भी रिकंसिलिएशन का आइटम नहीं बनता है। तो देखिए बच्चों यही फायदा है ना, हमारे 3 में से 2 एंट्री तो अमेंडेड कैश बुक में चली गई, तो रिकंसिलिएशन में केवल अभी तक कोई आइटम आया है, हाँ एक आया पॉइंट नंबर 1 आया है। तो ये फायदा है अमेंडेड कैश बुक का, आपको बैंक रिकंसिलिएशन का साइज इतना बड़ा कि जगह ऐसा हो जाता है रिड्यूस। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे,
बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 280 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। अरे वाह, ये भी तो हमारी ओमिट हो गई थी एंट्री, ये भी हमने अपनी अमेंडेड कैश बुक में कर दी। तो 8 में से 4 पॉइंट तो हमारे डील हो गए, जिसमें से कि केवल अभी तक हमने एक ही रिकंसिलिएशन में डाला है। देख रहे हैं ना डिफरेंस, अगर हमने अमेंडेड कैश बुक नहीं बनाई थी तो अभी तक हम ये चारों एंट्रीज रिकंसिलिएशन में डील कर रहे होते हैं। चलिए आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। ऑन 6 सितंबर 2018 द बैंक क्रेडिटेड 30,000 टू XYZ इन एरर। हाँ भाई, ये है हमारा रिकंसिलिएशन का आइटम, क्योंकि ये तो एंट्री बैंक से गलती से हुई है। तो क्या होगा, बैंक ने हमें, यहां पे बैंक ने हमें क्रेडिट दे दिया 30,000 का गलती से। तो क्या हुआ, हमें तो दोनों को एट पार करना है, बराबर करना है, तो हम यहां पे 30,000 की एंट्री अपने बुक्स में कर देंगे, जिसका इफेक्ट क्या होगा, जब अगर हम डेबिट में डालेंगे तो हमारा बैलेंस जो है वो लेस हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे अपने लेस आइटम्स में डाल देते हैं। ओहो, जाना तो ऊपर शीट पे, मैं बढ़ गई आगे, कोई बात नहीं, हम ऊपर मूव करते हैं। यहां पे हम क्या करेंगे, इसे हम लेस आइटम्स में डालेंगे, लेस रॉन्ग। देख रहे ना अमेंडेड कैश बुक का असर, कितने का रॉन्ग क्रेडिट दिया था, 30,000 का। बैक टू द क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 5 था, लेट्स डील पॉइंट नंबर 6। अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 1,60,000 वाज डिस्काउंटेड बाय XYZ विथ हिज बैंक, द बिल वाज डिसऑनर्ड। अरे ये भी डिसऑनर हुआ था हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज, और उसकी एंट्री हमने अपने बुक्स में नहीं करी थी, तो ये तो याद है हमने इसे अमेंडेड कैश बुक में डाला है, तो क्या अभी रिकंसिलिएशन में आएगा, नहीं। तो एक पॉइंट ये याद रखने का, जो चीज हमने अमेंडेड कैश बुक में डील कर ली वो आपके BRS में नहीं आएगा स्टेटमेंट में, इसको हमने डील कर ली तो क्योंकि डिसऑनर हुआ था हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज, तो उसको हमने अपने कैश बुक में क्रेडिट साइड में डाल दिया था। देख रहे हैं कैसे हमारा रिकंसिलिएशन का साइज रिड्यूस होता जा रहा है। चलिए, अरे वाह, हम तो एंड ऑफ द क्वेश्चन नियर कर रहे हैं। चेक्स इशूड अप टू 30 सितंबर, यानी 30 सितंबर तक कुछ चेक्स इशू हुए थे बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू द डेट, टोटल 13,40,000। यानी कि हमने क्या करा भाई, अपनी बुक्स में क्या करा, हमने अपना बैलेंस रिड्यूस कर दिया था, यानी कि हमने ओवरड्राफ्ट बढ़ा दिया था भाई 13,40,000 से, क्योंकि हमने इतने के चेक इशू कर दिए, बट यहां से तो बैलेंस गया ही नहीं। क्यों, क्योंकि चेक्स नॉट क्लियर्ड। तो क्या हमारा ओवरड्राफ्ट बढ़ जाना चाहिए, नहीं भैया, ओवरड्राफ्ट बढ़ना नहीं चाहिए हमारा, हम ओवरड्राफ्ट को अपना रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूस योर ओवरड्राफ्ट, रिड्यूस ओवरड्राफ्ट, यानी कि इसको हम डेबिट में एंट्री डाल देते हैं। चलिए, कर देते हैं हम उसको डेबिट में। क्या है, चेक इशूड बट नॉट वर्ड क्या यूज है, क्लियर है कि नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है, ओके नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट सही है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 13,40,000। डन, लास्ट पॉइंट, अ बिल पेबल ऑफ ₹2,00,000 हैड बीन पेड बाय द बैंक बट वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक।
ये भी हमने एंट्री कर दी, यानी बैंक ने कोई बिल पे कर दिया था हमारे बिहाफ पे, बट हमें पता नहीं था, तो वो एंट्री हमने अपने कैश बुक में नहीं की थी। तो रिमेम्बर, ये हमने अपने अमेंडेड कैश बुक में डील करा है, तो इसको हम रिकंसिडरेशन में नहीं लेंगे। नेक्स्ट, इसी में दूसरा पॉइंट था, बिल रिसीवेबल फॉर ₹60,000 हैड बीन डिस्काउंटेड टू द बैंक एट अ कॉस्ट ऑफ 1,000, यानी 1,000 का डिस्काउंट देके हमने 59,000 रिसीव करा था, वो भी हमने, विच हैड ऑल्सो नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, उसको भी हमने अब अपने अमेंडेड कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया था। तो अगेन ये रिकंसिलेशन का आइटम नहीं है, तो भैया लगता है यहाँ तो हमारा रिकंसिलेशन खत्म हो गया। चलिए अब हम लोग टोटल कर लेते हैं, देखते हैं। तो ये तो हमारा डायरेक्टली यहाँ फिगर अगर हम लिख देते हैं 11,14,000, इसका टोटल हमारा आता है 942,98। सही टोटल करा मैंने। अब हमारे यहाँ पे जो बैलेंस लेस करना है उसके दो आइटम्स हैं, क्या टोटल बनता है 13,76,000। क्या लग रहा है आपको? ये हमारा क्रेडिट था, दिस ऑल्सो कम्स टू क्रेडिट। चलिए अब हमने, अब देखिए हमारे जो क्रेडिट बैलेंस था वो ज्यादा था, वो कितना है, अब अगर हम इसे लेते हैं 13,76,000 माइनस 12,89,942, ये हमारा आता है 86,000, ये हमारा आएगा। हमें कहां पहुंचना था, बैलेंस एज पर, बच्चों ने देखा इस केस में ये वाला बैलेंस ज्यादा था, ये वाला कम था। तो अभी क्या हुआ, अब ये क्या हुआ आपका, हमारा क्रेडिट है बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट, दैट कम्स टू 11,14,000, ये भी क्रेडिट है। अब हमारा ये क्या आया, क्या ये सही है, चलिए देखते हैं आपको क्या लगता है। आंसर तो भी हमारा टैली कर रहा है 86,058, हमने भी निकाला 86,058, बट ये हमारे यहाँ पे डेबिट बैलेंस था, दिस मीन्स ये अब हमारा क्रेडिट हो जाएगा। सही, कोई कंफ्यूजन बताइए। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि हमने अमेंडेड कैश बुक के साथ करा। आई होप चीजें आपको क्लियर होंगी और कोई भी मिस्टेक का ऑप्शन बसना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने चीजों को बहुत सिंपलीफाई कर दिया। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 86,058 जो कि इंस्टीट्यूट ने दिया है, हमारा ये अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस भी टैली करता है, ठीक है। तो ये जो हमारा नवंबर 2019 में था, एक डिफरेंट क्वेश्चन था अमेंडेड कैश बुक के साथ। तो आपने देखा अमेंडेड कैश बुक बनाते हैं BRS का साइज कितना रिड्यूस हो जाता है। तो चलिए हमने सब तरह के क्वेश्चन देख लिए, स्टार्टिंग पॉइंट एज पर कैश बुक, स्टार्टिंग पॉइंट एज पर पासबुक और एक अमेंडेड कैश बुक के थ्रू। आई होप काफी हद तक आपके कंसेप्ट में क्लियर करने में वो रही होंगी सक्सेसफुल।
फिर भी अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप मेरे को प्लीज कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे रेगुलरली चल रहा है, फिर भी मैं आपके शेयर कर देती हूँ 9506554198, और आप इसी नंबर पे मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। टिल देन स्टडी हार्ड, बी कूल, बी कंफर्टेबल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, जिससे आप एग्जाम एक कंफर्टेबल माइंडसेट के साथ, कंफर्टेबल बॉडी के साथ दे सके। सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।